मेरा नाम भरत कुमार वनकर, मैं काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में काम कर रहा हूँ। और मुझे कान का इस तरह का प्रॉब्लम था कि कम सुनाई देना था, तो इसलिए आज जैसे नेट से जुड़ा तो कौन से हॉस्पिटल्स नियरेस्ट अवेलेबल है, तो खुशी एक ईएमटी हम पहली बार यहाँ आए, तो एक्चुअली बच्चे को दिखाना था, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे के साथ साथ मेरा भी कान की तकलीफ तो कुछ तो है ही। और जैसे बच्चे का कान का उन्होंने बताया कि नाक से प्रॉब्लम है लेकिन कान भरा हुआ है, तो उसमें इतना मैल जमा हुआ था तो उन्होंने कुछ माइनर जैसे ऑपरेट करके निकाल दिया, तो जैसे पत्थर जैसा कुछ निकला, तो मुझे सरप्राइज हुआ। तो मुझे लगा कि सर तो बहुत अच्छे हैं और मेडिसिन लेकर के अच्छा होता है तो ठीक है, लेकिन बच्चे का ये माइनर जैसे ऑपरेट करके निकाला तो मुझे लगा मेरा भी दिखा देना चाहिए, मुझे थोड़ी सी आवाज़ कम सुनाई दे, जैसे फ्रीक्वेंसी इको जैसा लगता है। तो मैंने भी दिखाया सर से, मेरा ऑडियोमेट्रिक किया, ऑडियोमेट्रिक के बाद सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपको जब भी टाइम मिले आप आ जाइए, एक फॉलोअप ले लेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी तो शायद ऑडियोमेट्रिक करनी पड़े या मेडिसिन लेनी पड़े, इसके हिसाब से हम यहाँ से अभी खुशी हॉस्पिटल से खुशी खुशी जा रहे हैं और आगे फिर फॉलोअप के लिए 10 दिन में आएंगे। थैंक यू।